इंडस्ट्रियल हाइजीन एंड कन्फाइंड स्पेसिस इज द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस डी स्टूडेंट्स विद यू टॉक्सिक मोल्ड एंड इन डोर एयर क्वालिटी इज सब टॉपिक ऑफ अवर मेन टॉपिक टॉक्सिक मोल्ड हैज सरफेस्ड एज एन इशू रिलेटिंग टू आई ए क्यू आई ए क्यू को अगर हम देखें तो इसमें बेसिकली ये देखा जाता है कि इन डोर एयर क्वालिटी क्या है इसको हम लोग आई ए क्यू बोलते हैं इन डोर एयर क्वालिटी का मतलब ये है कि विद इन द प्राइमसीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन की एयर क्वालिटी क्या ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉज के लिए हेल्पफुल है हेल्दी है हाइजीन है या नहीं है अगर ये तमाम चीज़ें फेवर में हैं तो ऑर्गेनाइजेशन की इन डोर एयर क्वालिटी ठीक है यहाँ पे इस चीज़ को भी देखना इम्पोर्टेंट है कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट लेवल ऑफ सेंसिटिविटी टू द मोल्ड कुछ एम्प्लॉयज़ की इम्यूनिटी पावर बेहतर होती है कुछ एम्प्लॉज़ की इम्यूनिटी पावर बेहतर नहीं होती तो वहाँ पे एक ऐसा इन्वामेंट होना चाहिए जो सब एम्प्लॉयज़ के लिए एक्सेप्टेबल हो इसको हम लोग इनडोर एयर क्वालिटी बोलते हैं अगर इसको मज़ीद देखा जाए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन जो कि अमेरिका में काम कर रही है रिकमेंड्स करती है थ्री स्टेप्स और वो थ्री स्टेप्स क्या हैं उन थ्री स्टेप्स को अगर वन बाई वन देखा जाए तो स्टेप वन इन्वॉल्व इंटरव्यूइंग एम्प्लॉज़ अबाउट सिम्टम्स स्टेप 2 इन्वॉल्व कंडक्टिंग एन ऑन साइट व्यू स्टेप 3 विच इज अंडरटेकन ओनली इफ द सिमटम्स एंड फिजिकल एविडेंस वारंट यू अब ये तीनों चीज़ों को अगर देखा जाए तो इसका ये मतलब है कि आर्गेनाइजेशन में काम करने वाले इंप्लाईज का इंटरव्यू लें आर्गेनाइजेशन में काम करने वाले इंप्लाई को इन्वेस्टिगेट करें और इन दोनों चीज़ों को कम्बाइन करके देखें कि जो इम्प्लाई काम कर रहा है वो सेटिस्फाई है या नहीं है अगर इम्प्लाई आर्गेनाइजेशन के वर्किंग एन्वायरमेंट में इट इज जो एयर इंडोर इंडोर क्वालिटी है उसके तमाम जो फीचर्स हैं वो अवेलेबल हैं अगर, अगर अवेलेबल हैं तो वहां पे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड एसोसिएशन जिन तीन चीजों को रिकमेंड करती है वो ऑर्गेनाइजेशन की फेवर में है अगर इसको मज़ीद देखा जाए तो देर इज फॉलोइंग प्रोसीजर मे बी यूज टू गाइड इन्वेस्टिगेशन और वो फॉलोइंग प्रोसीजर क्या है जिसमें पहला पॉइंट है लुक सेकंड पॉइंट है लिसन लुक क्या है लुक फॉर मोल्ड इन लाइकली लोकेशन सच एज अराउंड पाइप्स ड्रेन विंडोज डार्क पुअरली वेंटिलेटेड एरियाज इन सब चीज़ों को लुक करें देखें कि ऑर्गेनाइजेशन में जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तमाम चीजें ऑर्गेनाइजेशन ने जो बनाई हुई हैं कंस्ट्रक्टर ने कंट्रैक्टर ने जो कंस्ट्रक्ट की हैं वो तमाम चीजें हाइजेनिक हैं या नहीं हैं इम्प्लाई के लिए वो तमाम चीज़ें प्रॉपर वे में हेल्पफुल का बायस बन रही हैं या नहीं बन रही इन चीज़ों को हम लोगों ने देखना है और फिर लिसन सुने किस चीज़ को सुने लिसन टू द फीडबैक ऑफ योर एम्प्लाईज आपके इम्प्लाइज का फीडबैक आपने सुनना है एंड कमेंट्स ऑफ द एम्प्लॉज और इम्प्लाई एनवायरनमेंट के मुतलक क्या कमेंट्स दे रहे हैं फिजिकल एनवायरनमेंट है बेसिकली इम्प्लॉज़ ने मोस्ट ऑफ द टाइम हैज़ टू परफॉर्म हिज हर ड्यूटीज़ विद इन दी आर्गेनाइजेशन आपको मालूम है कि 24 घंटों में से 8 घंटे इंप्लॉयज़ ने ऑर्गेनाइजेशन में स्पेंड करने हैं बाकी टाइम उसने अपने घर में फैमिली के साथ स्पेंड करना है अगर 24 घंटे में 8 घंटे इंप्लाई जो ऑर्गेनाइजेशन में स्पेंड कर रहा है वो हाइजैनिक नहीं है एनवायरमेंट तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉज़ के बहुत ज़्यादा चांसिस है कि वो इम्प्लाई बीमार हो सकता है अब यहाँ पे इस चीज को भी देखा गया है कि जो एम्प्लाइज के कमेंट्स हैं वो किस किस्म के हैं हु माइट कम्प्लेंट अबाउट अलर्जीज ये देखा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हाइजेनिक ना होने से एम्प्लॉय को अलर्जी हो जाती है एस्थमा इसके अलावा एम्प्लॉय की स्किन के ऊपर रैशेज आ जाते हैं या और इस किस्म के छोटे प्रॉब्लम पैदा हो जाते हैं इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो ये एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्टर्स सारे फेवरेबल नहीं हैं इफ़ एम्प्लॉई विल गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज इन अ बेटर ऑर्गेनाइजेशन जो कि फिजिकली वर्किंग एनवायरमेंट में बेहतर है दैन चांसिस आर देर यूर एम्प्लाई विल स्विच टू दैट ऑर्गेनाइजेशन तो इस तरह आप एक ह्यूमन रिसोर्स का लाश कर लेंगे स्मेल द एयर विद इन दर्गेनाइजेशन सुपरवाइजर को भी चाहिए कि वो एयर की क्वालिटी को स्मेल करे कहीं पर ऐसा तो नहीं है कि वह एन्वायरमेंट के अंदर मुख्तु किस्म की प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही हैं यू कैन टेल इफ द एयर इज डैम स्टेल मस्टी ये तीनों चीजें फेवरेबल नहीं है आप कंप्लेन करें सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करें और सुपरवाइजर आके इन चीज़ों को इंश्योर करें इसको हम कहते हैं स्मेल द एयर देन ट्रेन एम्प्लाइज एम्प्लाई को समडिया ही नहीं होता किस चीज़ की कंप्लेन कहाँ पर करनी है और क्या करनी है और किस तरह से करनी है इसको हम कहते हैं ट्रेन द एम्प्लाई मोल्ड इन्वेस्टिगेटर बाई शोइंग दैम हाउ टू लुक लिसन एंड स्मेल ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं लुक द फिजिकल एनवायरमेंट स्मेल द एयर क्वालिटी देन थर्ड इज नोन एज योर पर्टिकुलर स्मैल आप उसको खुद से देखें अगर ये तीनों चीजें फेवरेबल कंडीशन में नहीं हैं तो इसका मतलब है कि देयर इज नीड फॉर बेटरमेंट इन द फिजिकल वर्किंग एनवायरमेंट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन इन द प्रिंसिपल एरियाज ऑफ मॉइस्चर एंड मोल्ड रिस्क इन यूर फैसिलिटी एंड मोनीटर दीज हाई रिस्क एरियाज़ कंटिन्यूली ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा आप गए सफाई की एयर फ्रेशनर का यूज़ किया आप चले गए ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि डेली बेसिस पे आप उसको चेक करें समटाइम तो इसको आर्ली बेस पर भी रिकमेंड किया गया है कि आप हर एक घंटे के बाद तमाम जगह के ऊपर सफाई करें क्योंकि जहाँ पर एम्प्लॉज़ का आना जाना चलना ज़्यादा है वहाँ पर इन चीज़ों की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है थे शोल्ड लिमट वैल्यू इसको हम टी एल वी बोलते हैं शोल्ड लिमट वैल्यू हाउ मच एक्सपोज टू आर टॉक्सिक सब्सटैंस इज टू मच कि आप लोग ठीक है टॉक्सिक सब्सटैंस यूज कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में लेकिन उसका कितना लेवल रिक्वायर्ड है अगर उससे ज़्यादा लेवल वहाँ पर यूज़ होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए नुकसानदेह है एम्प्लाइज की हेल्थ के लिए नुकसानदेह है इसके मतलब अगर देखा जाए तो मुख्त किस्म के गाइडलाइन क्वेश्चन हैं जो कि अमेरिकन कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नमेंटल इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट ने इशू किए हैं अगर उनके जवाब ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रही है तो इसका मतलब है कि आर्गेनाइजेशन इंडस्ट्रियल हाइजीन एंड कंफाइंड स्पेस के कंसेप्ट को फॉलो कर रही है टॉपिक इसके रेलिवेंट है और बहुत सिग्निफिकेंट लगता है द डिग्री एंड नेचर ऑफ हेज मस्ट बी अंडरस्टुड बिफोर इफेक्टिव हैज़ट कंट्रोल प्रोसीजर कैन बी डिवेल्पड इससे पहले कि हेज़र कंट्रोल प्रोसीजर को डिवेल्प किया जाए आपको मालूम होना चाहिए कि वह हैज़ट है क्या और क्यों हैज़र आपने डिवेल्प की छोटी सी मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि आर्गनाइजेशन के अंदर जहाँ वर्किंग एन्वायरमेंट है वहाँ पर इम्प्लॉज़ को रहने के लिए अपार्टमेंट्स भी दे दिए जाते हैं और जहाँ पर रहायश का एरिया है वहाँ पर आपने देखा होगा कि गाड़ियों को स्लो करने के लिए वहाँ पे स्पीड ब्रेकर भी बना दिए जाते हैं आल दो स्पीड ब्रेकर इज़ अ लिटिल हैजर्ड फॉर द कार ड्राइवर लेकिन वो इम्पोर्टेंट है क्यों रोड सेफ्टी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है इम्प्लाइज़ वहाँ पे अगर अचानक घर से बाहर को बच्चा निकलता है और गाड़ी अगर स्पीड में है तो वहाँ पर कोई हो सकता है इंसिडेंट हो सकता है इंजरी हो सकती है तो इस चीज़ को देखा जाता है कि जब भी कोई हैज़र डिवलप की जाती है ऑर्गेनाइजेशन में उसका प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया जाता है और वो हैजर्ड क्यों डेवलप की गई है उसकी रीज़न क्या थी अगर इसके लोअर हिस्से को देखें स्लाइड को तो इसमें यह बयान किया गया है दिस हैजर्ड्स इन्वॉल्व रिकोगनाइजिंग दैट हैजर्ड एंड देन मेकिंग जजमेंट अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड विद रिगार्ड टू केमिकल फिजिकल बायोलॉजिकल एंड एल्कोनॉमिक स्ट्रेस ये चार चीज़ें हैं जिनको जानना बहुत इम्पोर्टेंट्स है अगर इन चारों चीजों का लेवल आप जान लें फिजिकल हैजर्ड्स का केमिकल हैजर्ड्स का बायोलॉजिकल हैजर्ड्स का एकोनॉमिक का ऑटोमेटिकली आपका एम्प्लाई जो है उसके रिजल्ट बेटर होंगे अगर एम्प्लॉ इन चीज़ों से फेमिलियर नहीं चांसिस है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडस्ट्रियल हाइजीन के इशूज एग्जिस्ट हो सकते हैं क्वेश्चन दैट कैन बी यूज फॉर रिकोगनाइजिंग वर्क प्लेस आर एज फेलो नंबर वन वट इज प्रोड्यूस्ड ऑर्गेनाइजेशन बना क्या रही है कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ऑर्गेनाइजेशन केमिकल ही बना रही है और फिर आप कहें केमिकल हैजर्ड्स है तो उसको कंट्रोल करना इजी है क्योंकि जब आपके जो केमिकल इंजीनियर हैं वो हमें बताएंगे कि ये केमिकल की वजह से कौन सा रिएक्शन हो सकता है इस केमिकल की वजह से कौन सी डिजीज़ हो सकती है इस केमिकल की वजह से इम्प्लॉय की हेल्थ को क्या नुकसान हो सकता है तो उसकी एस ओ पीज बना के उसको कंट्रोल करना आसान है ला मटीरियल आर यूज इन द प्रोसेस कौन सा रहा मटेरियल यूज़ हो रहा है उसके एस ओ बनाएं वट इक्विपमेंट इज़ यूज वो इक्विपमेंट जो है वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री से लिया गया है कि या मैनुअल बेसिस पे ख़ुद से डेवलप किया गया है और जब वो आपने टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री से लिया वो वाला इक्विपमेंट तो उसके साथ प्रॉपर जो एस ओ पीज की गाइड आई थी मैनुअल आया था क्या उस मैनुअल के मुताबिक आप उसको ऑपरेट कर रहे हैं अगर उसके मुताबिक ऑपरेट कर रहे हैं तो देर इज़ नो नीड फॉर सच सर्ट ऑफ एनी प्रॉब्लम इन दी ऑर्गनाइजेशन उस मैनुअल की मदद से उस टेक्नोलॉजी को आसानी से अडॉप्ट करके उसे काम लिया जा सकता है वट ऑपरेशनल प्रोसीजर आर इन्वॉल्व ऑपरेशनल प्रोसीजर जो मकैनिकल इंजीनियर केमिकल इंजीनियर प्रोडक्शन इंजीनियर काम कर रहे हैं क्या उस मकैनिकल प्रोसेस से फेमिलियर हैं अगर फेमिलियर हैं यू रिजल्ट वट डेस्ट कंट्रोल प्रोसीजर आर इन्सीडेंट्स विल अप ये मुख्तु क्वेश्चन हैं डी ये स्टूडेंट्स जो आपके लिए मैंने लिखे हैं ये वो मैक्मम क्वेश्चन हैं अगर इन क्वेश्चन को आप जान लें और इनके आंसर तलाश कर लें तो आप काफ़ी हद तक हैजट्स को रिकगनाइज कर लेंगे एंड उनको अवेलुएट कर लेंगे अवेलुएट क्या है स्टैंडर्ड और कम्पेयर करना अवेलुएशन कहलाता है जब स्टैंडर्ड से एक्चुअल को कम्पेयर किया जाता है तो आपको मालूम होता है कि प्रॉब्लम कहाँ पर एग्जस्ट कर रही है अगर स्टैंडर्ड से एक्चुअल मैच कर जाए तो देयर इज नो नीड ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम प्रिवेंशन कंट्रोल मैकेनिज्म को अगर देखा जाए स्टूडेंट्स प्रिवेंशन इज की प्रिवेंशन की कैसे है अगर प्रिवेंशन अडॉप्ट की जाए ऑर्गेनाइजेशन में तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तमाम चीजों से बचा जा सकता है वन बाई वन मैं आपको बता देता हूँ मोस्ट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल स्ट्रेटजीज कैन बी प्लेस्ड इन वन ऑफ द फॉलोइंग फोर कैटेगरीज इंजीनियरिंग कंट्रोल वेंटिलेशन पर्सोनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ये चारों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं इन चारों के ऊपर जो ये स्टूडेंट अगर आप फोकस कर लें पहले नंबर पे था इंजीनियरिंग कंट्रोल इंजीनियर की ड्यूटी है कंट्रोल करना वेंटिलेशन सिस्टम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्वमेंट पी एन से सी तक हर बंदे ने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्वमेंट पहनने हैं और एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल होना चाहिए अगर ये चारों चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं तो यू आर गोइंग टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल ऑल द फिजिकल एनवायरनमेंट विद इन ऑर्गेनाइजेशन। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल को अगर देखा जाए तो यहाँ पे जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस है वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वियर करने से काफ़ी हद हाँ तक आप एस ओ फॉलो करके डिजीज से बीमारियों से या किसी किस्म की इरिटेशन से या किसी किस्म की सीरियस प्रॉब्लम से बच सकते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल को अगर देखा जाए तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में बेसिक है क्या रोटेशन, रिक्वायर्ड ब्रेक्स वर्कशिफ्ट अदर शेड्यूल ओरिएंटेड स्ट्रेटजीज एम्प्लाई को अगर ईजी रखा जाए रोटेशन में काम लिया जाए ब्रेक दी जाए ऑफ एंड ऑन उनको हम लोग लेयर टाइम स्पेंडिंग के लिए प्रॉपर ब्रेक दे दें तो चांसेस है कि आपके इंप्लाईज अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं